रहा सुबह उठते का हमारा सबसे पहला काम, चाय। चाय रेडी होती है फिर पी के कुछ देखते हैं। ओ भाई रुक जा रुक जा रुक जा। सुलो जी होगी अपनी चाय गर्मा गर्म रेडी। कैसी है स्वाद है चाय। चाय? तो स्वाद ही बनाता हूँ मैं, हाँ जी। है ना? बढ़िया बनी है चाय। और चाय के साथ थोड़ा आंखें अच्छे से खोलेंगे। एक्चुअली क्या था, आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मतलब हमको 2 दिन एक्चुअली हो गए थे अच्छे से सोए हुए। कल रात ना, कल नहीं परसों रात, कल तो इधर ही थे, परसों रात हम लोग भाई बिल्कुल नहीं सोए, मुश्किल से 1-1.5 घंटा सोए होंगे बस ठंड के कारण। तो कल यहाँ पे बढ़िया था, 2-3 कंबल ले लिए थे हमने, आराम से सोए थे। बस सुबह ठंड लगनी शुरू हुई थी 4 बजे, बट मैनेज हो गया था, उतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी क्योंकि कंबल थे। 6:30 का हमने अलार्म लगाया था कि जल्दी उठ जाएंगे, फिर हमने सोचा यार घर ही जाना है, जल्दी काहे की करनी। हम लोग आराम से उठे, 7:30 चाय बनाई, तो 8 बज गए अभी। बस ये चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, देन आपको दिखाते हैं भाई खतरनाक व्यू बाहर का। जो लोग बिजली महादेव नहीं ना गए, इसके बाद वो पक्का आएंगे ये देखने के बाद, गारंटी देता हूँ मैं। सो गुड मॉर्निंग जनता, एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गोल्डी राइट। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव। सो अभी हम लोग फाइनली है टेंपल पे। रात का व्लॉग अगर आपने कल का देखा है तो कैसे पहुँचे हैं भाई हमें पता है, बट उसके बाद जब महादेव के दर्शन हो जाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। तो हमने महादेव के दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया हुए, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, खाली था। अभी लोग आने शुरू हुए, सुबह के टाइम इतने ज़्यादा नहीं थे। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुल्लू का व्यू। ऐसा व्यू आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करो, महादेव के दर्शन करो और साथ के साथ यहाँ पे आप देखो नेचर की ब्यूटी और क्या खूबसूरती है यार। मतलब जब इतनी हाइट पे आप आते हो ना और सब कुछ नीचे देखते हो और साथ के ऊँचे ऊँचे पहाड़ बर्फ़ वाले, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और वैसे भी महादेव कहीं नीचे तो बैठे नहीं है, हाइट पर चढ़ के बैठे हैं। जहाँ भी आप जाओगे आपको स्ट्रगल करके पहुँचना पड़ेगा महादेव तक, और हम फाइनली पहुंच गए और हमने दर्शन भी कर लिए। मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया हूँ और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था और सेकंड टाइम का तो उससे भी बढ़िया है क्योंकि ये पूरा एडवेंचर से भरा हुआ था हमारा। और मोहित पहली बार आया, इससे पूछते हैं कैसा लगा टेम्पल। बहुत बढ़िया लगा, टेम्पल बहुत सुंदर बना हुआ है और व्यू बहुत सुंदर है। इतना एडवेंचर करके आया, मतलब पूरा वर्थ इट है। मतलब जो मेहनत करी यहाँ पे आके सारी सफल हो गई, पूरी सफल हो गई। और ऊपर से जब हम लोग महादेव के दर्शन कर लेते हैं ना भाई, तो पीछे का सब भूल जाता है। तब ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट किया है, सारी थकावट वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बढ़िया लगा, मतलब आप लोगों को भी बढ़िया लगा होगा महादेव के दर्शन करके। और आगे ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू रहो, आगे आपको और अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं हम। ये देख लो भाई पेड़ कितना बड़ा है और कितना सुंदर लग रहा है। और इतनी हाइट पे सिर्फ यही एक पेड़ है जो इतना बड़ा है, और मंदिर पे और मतलब पूरी जगह हम घूमे हमें कोई पेड़ नहीं मिला है ना, सिर्फ यही एक पेड़ है। और वो पीछे आपको जो दिख रही है
धर्मशाला वहाँ पे हम लोग रुके थे जो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से है, और उसका भी मैं आपको बता दूं कि 300 पर पर्सन लेते हैं अगर आपने नाइट को रुकना है रूम का। उसमें जितने मर्जी बंदे हो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूम काफ़ी बड़ा था, 15 जने तो कम से कम आ सकते थे ना उसमें, बहुत बड़ा था। तो 300 लेते हैं वो रूम का। तो जब भी आप आओ ग्रुप फैमिली या लेट हो जाते हो आप तो यहाँ रुक सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, कंबल वगैरह सब अरेंजमेंट है, आराम से सो जाओ, सुबह उठो भोलेनाथ के आराम से दर्शन करो जैसे हमने किया है। और अभी निकलने का टाइम आ गया ना, हाँ जी बट थोड़ा देखते हैं आगे व्यूज़, और अभी शूज़ वगैरह पहन लिए, पहन लेते हैं, दर्शन हमने कर लिए, फिर आगे। और कल का ट्रैक गाइस हम आपको दिखा नहीं पाए बिकॉज अंधेरा बहुत ज़्यादा था, रिस्की बहुत ज़्यादा था, तो हमारे लिए ये था कि हम किसी तरह पहुंच जाए, वीडियो बाद में बना लेंगे। तो आज के ट्रैक में हम आपको दिखाएंगे सारा व्यू कि कहां कहां से हम लोग आए थे और कैसे आए थे भाई। तो ये था मंदिर हमारे पीछे, आपको मैंने दिखा दिया, और वहां पे हमने शूज़ उतारे हैं, अभी चलते हैं वहां पे, चल आ जाओ भाई, पैर ठंडे हो गए, मतलब कल यहां पे धूप थी। और आपको एक चीज़ बता दूँ, कल है होली, सो अभी तक आप लोग होली खेल चुके हो, होली निकल चुकी है, बट फिर भी एक बार फिर से विश कर रहा हूँ आपको हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली गाइस। ये देखो यहाँ पे लोग होली मना रहे हैं महादेव के साथ, क्या बात है ना। और हम लोग भी भाई होली पे महादेव के घर है, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है, एक व्लॉगर के लिए, एक ट्रैवलर के लिए, कि जब वो अपना फेस्टिवल ट्रैवल में मना रहे हैं, इससे अच्छी बात मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती। चलो शूज़ पहनते हैं फिर आगे का चलते हैं। हमने आपको मंदिर के दूसरी साइड का व्यू दिखाया था, अभी आपको दिखाएंगे हम मंदिर के स्टार्टिंग व्यू, जहाँ से ट्रैक करके ऊपर आते हैं वहाँ का व्यू, और बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इस साइड जो पहाड़ हम आपको दिखाने वाले हैं वो सारे मनाली साइड के हैं, और पीछे जो थे वो कुल्लू साइड था सारा। तो भाई मैं आपको बता दूँ, रात को ही यहाँ पर स्नो पड़ी है, मतलब ऊपर यहाँ पर नहीं पड़ी बट मनाली साइड आगे सारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है रात को, क्योंकि जब हम आए थे तब पहाड़ वाइट नहीं थे, सुबह जब हम लोग उठे तो नज़ारे बिल्कुल बदल चुके थे, सामने सारे जो माउंटेन्स थे वो हमें सारे वाइट दिख रहे थे। तो एक बार आपको ऐसे दिखाता हूँ वाइड एंगल में, उसके बाद आपको जूम करके सारा व्यू अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये देख लो गाइस, यहाँ से पता नहीं प्रॉपरली आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लो सारा वाइट दिख रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ जूमिंग में। जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह लोग। अभी हमें लगी है भूख बहुत ज़्यादा, और अभी जो आपने क्लिप देखा भी था, मैं जा रहा था और मैं जा रहा हूँ पीछे, ये देखो आपको टेंट दिख रहे होंगे येलो कलर के दूर, तो यहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली खाने का सारा प्रबंध यहीं पे है, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे हम लोग, और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए, वो खाएंगे और फिर नीचे ट्रैक करके पहुँचेंगे, वहाँ से अपनी स्कूटरी उठाएंगे। और दिक्कत यार पता क्या होगी, गोप्रो हमने वहीं छोड़ दिया, पता नहीं दिमाग में क्या था, वो साथ में लेके नहीं आए और वो चार्ज भी नहीं है, तो पहले पहुंच के उसको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके आपको मोटो व्लॉगिंग दिखा पाएंगे, नहीं तो फ़ोन में करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे, देखते हैं वो नीचे जाके क्या होगा। फिलहाल अपना अभी फोकस होगा ब्रेकफास्ट पे, पहले ब्रेकफास्ट करें, भूख लगी है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, मैंने दूर से आपको दिखा दिया था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, एंड हमने बोला भैया को बनाने के लिए सिड्डू, सिड्डू रेडी थे, भैया रेडी है ना, बस सिड्डू रेडी है और परांठे मिल जाएंगे, परांठे कौन सा भैया, आलू प्याज। तो रात को हमने यहीं से खाया था दाल चावल, शिव शक्ति कैफे, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, घर के खाने जैसा था। अब यहाँ पे आओ तो एंट्री डोर के बिल्कुल पास में ही है मंदिर के, और बहुत टेस्टी था भैया, और चाय भैया ने बनाई थी कड़क भाई, आंखें खुल गई पी के, थके हुए थे मतलब चाय पी के ऐसा लग रहा था सारी थकान निकल गई। और अभी हमारा है सिड्डू, पराठे एंड चाय, तो जब आती है फिर आपको दिखाते हैं। सो ये आ गया जी अपना सिड्डू, साथ में चटनी लोकल, टेस्ट करके बताता हूँ आपको।
का खेरो अभी जी। क्या बात है, बढ़िया है, अच्छा है भैया। मोहित तो बाहर बिजी है, मैं खा लेता हूँ तब तक। आजा भाई, खत्म हो जाने सड्डू। और ये हिमाचल की है लोकल डिश है ना भैया, और ये मैं स्पीति गया था, मैंने वहाँ भी खाई थी, तो ऑल ओवर हिमाचल में मिल जाती है। और पता क्या, वो सब खाना तो हम खाते ही रहते हैं, बाहर जाओ तो कुछ नया ट्राई करो और वहाँ की ट्राई करो कि लोकल डिश क्या है। तो सिड्डू जितनी बार मैं आता हूँ ट्राई करता हूँ, खाता हूँ, आप भी आओ ट्राई करो, आपको बढ़िया लगेगा। तू खाब अच्छा है ना, और हेल्दी भी है, मतलब चाइनीज फूड की तरह नहीं है, हेल्दी है। चलो फिर फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, फिर परांठे खाते हैं। तो ये मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जो फिलिंग है ना वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह की होती है, जिसमें वॉलनट्स वगैरह, ऑलमंड्स वगैरह। और भैया बता रहे हैं, भैया और क्या क्या आता है फ्रूट्स के अलावा, ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स के अलावा प्याज, जैसे लहसुन, मसाले, अच्छा हाँ, वो खा रहे हैं ना तो उसका टेस्ट आ रहा है कि ये ड्राई फ्रूट्स है। ये देखो, ये अंदर से दिखा रहा हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग है इसमें, और बढ़िया टेस्ट, क्रंची सा टेस्ट दे रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब बाहर से वो है सॉफ्ट सा, एंड अंदर से थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर दे रहा है, क्रिस्पी है, थोड़ा टेस्टी है, टेस्टी आ रहा है। सो ये आ गया जी अपना परांठा, काफ़ी हैवी है, फिलिंग भी अच्छी है, मैंने तो टेस्ट कर लिया, अच्छा है। तो बता कैसा? टेस्टी है, अच्छा है ना, बढ़िया बनाया। मतलब रात को भी हमें खाना अच्छा लगा था यहीं पे, तभी हमने कोई नेक्स्ट ऑप्शन ले ली, नहीं ली सीधा इधर ही आ गए। चाय भी आ गई है, बहुत कड़क बनाई है, इसमें काली मिर्च डाली है लगे कुछ, हाँ वो कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है, तगड़ा वाला। चल सही है, तेरे को हल्का हल्का कोल्ड हो रहा है ना, सेट हो जाएगा चाय भी। तो ब्रेकफास्ट जी हो गया अपना बढ़िया वाला, और पूरे चार्ज हो चुके हैं अभी, बस अभी वापस जाना है। पर हमें ना 2 घंटे हो गए यहाँ पे, और ये जगह इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है कि इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। क्यों मोहित? मतलब ऐसे लग रहा है ना कि यहीं घूमते रहे बस। मेरा तो मन कर रहा है यही रह जाते हैं। हम यही बात कर रहे थे यार कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कितनी बढ़िया है ना, काश हमारी भी होती। चलो हमारी भी भोलेनाथ ने बहुत बढ़िया लाइफ दी है, इतनी बढ़िया लाइफ है तभी हम लोग ये सब जगहें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आप भी भोलेनाथ का नाम लेके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। ये देख लो यार नज़ारे, ऐसे नज़ारे छोड़ के जाने का कहाँ मन करता है, बट जाना पड़ेगा। अभी बस हम जा रहे हैं अपने बैग उठाने, भारी भारी बैगों ने हमारी ज़्यादा बैंड बजाई थी, क्योंकि हमें था कि कैंपिंग कर लेंगे, बट कैंपिंग का सीन एंड में कैंसिल कर दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और अभी बस बैग उठा के नीचे उतरना, फिर रास्ता देखना कैसा है। चलो जी, बैग टांग लिया मैंने, एक बैग मोहित ने टांग लिया, तो ये मेरे पीछे है जहाँ पे हम लोग रुके थे, और नीचे वॉशरूम के साथ साथ ये जो नीचे जंगल को रास्ता जाता है ना, यहाँ से हम लोग आए थे। और अभी दिखाते हैं कितना ख़तरनाक रास्ता है, ये देख लो भाई, किसी जानवर का सिर पड़ा हुआ है। मोहित घबरा गया, कहता सर ये क्या है। और ये देख लो, यहाँ से हमने जाना है, और इस टाइम तो ये रास्ता भाई सही लग रहा है। मतलब रात को सोचो बिल्कुल अंधेरे में हम लोग आए थे, और ये पता क्या है, ये जो है ना इस पे पैर रख रहे, देखो स्लिप कर रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, तो यहाँ से थोड़ा संभल संभल के जाना पड़ेगा। सो वो ऊपर से आए हैं हम, टॉप से नीचे ऐसे घूम घूम के उतर के पेड़ों के अंदर अंदर से, और ये कोई पक्का रास्ता नहीं बना हुआ, कुछ नहीं है, मतलब लोगों ने ऐसे उतर उतर के थोड़ा बहुत बनाया हुआ, थोड़ा तो बहुत वहाँ से पहचान होती है। और बस पता क्या, ये बैग करा रहे हैं कल से हमारी, भारी है, और ये बैग मैंने टांगा हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है क्योंकि एक ही शोल्डर पे रखना पड़ रहा है, और इसके कारण पैर भी स्लिप हो रहा है। और जो मैंने शूज़ पहने हैं ना, इसमें काफ़ी ट्रैक किया लेकिन इसमें घिस चुका है। नज़ारे बहुत ही बढ़िया, और ये थोड़ा सा पहले नीचे कैंप लगे थे, ये रात को हमें बोल रहे थे कि इधर ही रुक जाओ, बट हमने बोला नहीं टॉप पर ही जा के रुकेंगे। चले हाँ जी, हाउस द जोश, हाय सब, ये बात हुई ना। तो काफ़ी ट्रैक उतर के आ चुके हैं, इतना सांस भी नहीं चढ़ रहा जितना कल के ट्रैक में चढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा ही सांस चढ़ रहा था क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा सीधी है, और
काफ़ी ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। वो छोटे से आपको दिख रहे होंगे टेंट, उसके भी ऊपर से आए हैं हम लोग जंगल से होते हुए। और यहाँ पे ये देख लो एक लेक बनाई हुई है, ये मैन मेड लेक है, नेचुरल नहीं है। पता लग ही रहा होगा आपको, मिट्टी खोद के बाहर निकाली और पानी भरा गया। बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे लगता है और आने वाले टाइम में इसको और ज़्यादा अच्छा बना देंगे और एक व्यू पॉइंट बन जाएगा। बेसिकली जहाँ भी जा रहे हैं सब कुछ रेनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि लोग एक अच्छे व्यू की तलाश में आते हैं और मोस्टली लोग यहाँ पे कैंपिंग करने आते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिले जो टेंट वगैरह सारा सामान उठा के जा रहे थे। देखा उन्होंने वो गैस भी उठाई हुई थी पूरी, वो स्टोव वगैरह सारा कुछ लेके आए थे। हाँ, और बड़े बड़े बैग थे। जब हमें लगता है ना कि हमारे पास बड़े बैग है तो इन जैसों को देख के हौसला आ जाता है कि ये भी जा रहे हैं भाई। सही है, ट्रैक करो ज़िंदगी में, आप एक बार करके देखो, जिन्होंने नहीं किया बहुत मज़ा आएगा। आप जब अकेले चल रहे हो ना, आप हारे पड़े हो, लेकिन आपको पता है मंजिल तक पहुंचना, उस टाइम दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और वो ऐसा टाइम होता है जब आपको खुद को मोटिवेट करना है, मतलब कोई और नहीं करेगा, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है और उसी के भरोसे आप आगे बढ़ते हो। लाइफ का भी भाई यही मंत्र है, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है बट हमने खुद को खुद ही मोटिवेट करना है और उनको सॉल्व करना, उनका हल निकालना। जैसे हमने रात को निकाला था, रास्ता दिख नहीं रहा था बट कैसे भी करके ढूंढ के ऊपर पहुंच गए। ये भाई साहब नीचे पहुंच गए, क्या हुआ? वैसे यही है क्या वैसे? ये पेड़ों के ऊपर से गिरते हैं जो लगे होंगे, पता नहीं क्या है। जहाँ तू खड़ा है ना वहाँ क्या व्यू आ रहा है, मतलब वीडियो में बड़ा अच्छा दिख रहा है व्यू, तगड़े वाला। और ये देख लो कैसे पेड़ों में से होते हुए निकल रहे हैं, ये देख लो एक बार कितने सारे पेड़ हैं जो जड़ों से ही उखड़े हुए हैं। और इतने ज़्यादा बड़े पेड़ मुझे लगता है उखाड़ तो कोई सकता नहीं, ये खुद ही उखड़े हैं और फिर इनको काट लिया गया है। और ऐसा ही कल जब हम प्राशा लेक से वापस आ रहे थे तब भी कितने सारे पेड़ हमें गिरे हुए मिले थे। स्लो भाई साहब, फाइनली ट्रैक ओवर हो गया, पूरा नहीं हुआ एक्चुअली। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, ये वो पॉइंट है, बट आपकी गाड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, 4x4 चाहिए, बाइक है तो एडवेंचर बाइक चाहिए, नहीं तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। लास्ट व्लॉग में दिखा होगा अगर आपने, अभी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, पूरा टूटा फूटा पत्थरों वाला रास्ता है, चढ़ाना बहुत मुश्किल है। और ये पीछे से हम आए हैं जंगल से होते होते अंदर बिजली महादेव गए हैं, और यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर है, 1 या 1.5 किलोमीटर होगा। उतरते हुए तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगता है हमें 15 मिनट लगे होंगे, 10 या 15 मिनट में हम लोग उतर गए, लेकिन चढ़ते हुए हमें कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे लग ही गए थे, है ना? 2.5 से 3 घंटे लग गए थे क्योंकि स्ट्रीप है, सीधी चढ़ाई है तो वो ज़्यादा थकाती है। तो ये देख लो ऐसा कुछ रास्ता है, मतलब यहाँ भी चढ़ाई सीधी है तो ये ऊपर तक गाड़ियाँ ला के यहाँ खड़ी कर देते हैं, लोग आगे से करते हैं ट्रैक। और एक रास्ता दूसरी तरफ से आता है मेन कुल्लू से, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार आ रहे हो, अपने व्हीकल से आ रहे हो, तो ट्राई करो मेन कुल्लू से आओ, यहाँ से मत आओ, गूगल मैप आपको ये रास्ता दिखाएगा जब आप मंडी से आ रहे हो, बट ये बहुत डेंजरस रास्ता है। और यहाँ पे क्या है, पहाड़ों में काम भी चला रहता है जिसके कारण आपको 2 से 2.5 घंटे रुकना पड़ सकता है और आप लेट हो जाओगे। कल हमारा प्लान था कि कल जल्दी पहुँच के ऊपर ट्रैक करके माथा टेक के नीचे चले जाएंगे, लेकिन काम लगा था जिसके कारण 2.5 घंटे हम लोग वहाँ फंसे रहे और उसके कारण लेट हो गए। और रास्ता भी देखो ऐसा पत्थरों वाला है गंदा, और सारा ही नीचे तक, मतलब अभी यहाँ पे ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है, नीचे और ज़्यादा गंदा है और चढ़ाई इतनी ज़्यादा है भाई, आगे से बाइक उठ जाती है पूरी। तो सोच समझ के आना आप दोनों रास्तों में से कौन सा लेके आना रास्ता। और ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं सारे, ये सेब की खेती है, और खेती मतलब अभी तो सूखे हुए, अभी सीज़न नहीं होगा, मतलब सारा यहाँ पे खेत, यहाँ पे सेब की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। लोकल लोग बात करी हमने, सब वही करते हैं, मतलब जहाँ तक मैंने बात करी उन्होंने बताया कि ये सेब के ही है पेड़। हाँ, लग भी रहा है। और ये देखो भाई, एक पेड़ है जिसपे फूल से आए हुए, पर सेब के पेड़ में फूल तो नहीं आते, बाकी क्या पता हो सकता आ जाए। तो हमने किसी लोकल से पूछा था, वो बता रहे थे कि सेब की खेती बहुत होती है। बाकी अगर कोई लोकल वीडियो देख रहा है, उनको पता हो कि ये कौन से पेड़ है तो कमेंट में लिख देना। भाई ये डॉग देख लो कितना सही लग रहा है, डर ही लग रहा है नू हथ लाने, गुस्से नाल देख रहा है।
चला गया। वो मुर्गियाँ देखा कितनी मोटी मोटी है, जंगली होनी है। वो खद्दा जहा कर रही ना। इसकी हालत देख लो, छिक्के मार मार के नाक दिखाई अपना, आंखें भी लाल हो गई, ठंड लगी इसको। और ये मैं बता रहा था थोड़ा सा है, 1.5 किलोमीटर। अब आप देख लो आप इस पे चढ़ा सकते हो कि नहीं। इसमें चढ़ाई तो पता लग नहीं रही होगी कितनी है, स्टीप है बहुत ज़्यादा, लेकिन रोड देख लो वो दिख रहा है आपको कितना गंदा है। और यहाँ पे अपना ट्रैक ख़त्म होता है। बस ये जो आपको घर दिख रहा है ना, इसके साथ ही पार्किंग बनाई है उन्होंने पेड़, वहाँ पे अपनी स्कूटी खड़ी है, वो उठाएंगे और निकलेंगे चले। यस सर। और जब हम लोग ट्रैक चढ़ रहे थे ना, हमने बहुत सारे ब्रेक लिए, और अभी आप मानोगे नहीं उतर रहे हैं ना, रास्ते में सिर्फ एक जगह हमने अपने बैग रखे थे, वो भी आपको दिखाए थे, है ना अपा? रास्ते से बैग तो नहीं, एक बार रुके बस, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहे। उतरते हुए पता नहीं लगता, ट्रैक फटाफट हो जाता है, मतलब 4 गुना फर्क पड़ जाता है स्पीड का। चढ़ते हुए 2.5 घंटे लगे, उतरने में मुश्किल से 15-20 मिनट। अगर ये आगे का भी मिला दूँ तो आधा घंटा ले लो, आधा घंटा लग गया होगा 40 मिनट पूरा नीचे तक आने में। पर यह थकान नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी नींद पूरी होगी। कल हमारी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं थी, एक रात पहले हम बिल्कुल नहीं सोए थे, टेंट में थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब बोलोगे यार क्यों बार बार बता रहे, चलो सुन लो थोड़ा सा। सो फाइनली ये रही अपनी धन्नो, इसको उठाने का टाइम आ गया, लेकिन वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कुछ। ये देखो भाई अंडरवेयर कहाँ सूखने डाला है, गाड़ी का वाइपर भी सोच रहा होगा इसलिए बनाया गया मुझे। इसने भी होली खेली है धन्नो ने। हाँ जी। कलर गिरा है। हाँ जी। हमारे बिना होली खेल रही इसने। चल कोई ना, ऐश करने दे इसको। ये देख लो भाई, रुपए भी गिरा हुआ। हाँ, इसने हमारे बिना ही होली खेल ली, हमने नहीं होली खेली अभी तक। और ये देखो मैं आपको बता रहा था कि पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ था, गोप्रो हम यही रख गए। और अब इसको चार्ज लगाऊंगा, थोड़ी देर चार्ज करूंगा, फिर तभी मोटो व्लॉगिंग पॉसिबल हो पाएगी, फिर आगे निकलेंगे। तो ये हो रहा है अपना गोप्रो चार्ज, और हम लोग आराम से चेयर पे बैठे हैं। और ये भाई की है पार्किंग यहाँ पे, और बहुत बढ़िया है, खुली जगह है, गाड़ी पार्क कर सकते हो, बाइक पार्क कर सकते हो, देखो खड़ी हुई है। और मैं भाई से घर के बारे में पूछ रहा था, ये जो आपको सामने घर दिख रहा है ना, और ये सारा पत्थरों का बना है ना भाई? जी पत्थरों, और मत लकड़ियों का। हाँ पत्थरों लकड़ियों का, कोई सीमेंट का यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बस पत्थर के ऊपर पत्थर टिका के बनाया हुआ। मैंने आपको पराशर लेक में भी ऐसे घर दिखाए थे। और ये जो सामने घर है भाई बता रहे हैं, ये कब का है भैया? 1905। ओ भाई साहब, ये घर 1905 का बना हुआ है, देख लो। जो जो बीच वाला ये घर है, बस ये वाला जो ये इधर वाला, ये तो ऐसे ही है भाई, ये तो अभी बना है पीछे से। अच्छा, बीच वाले जो ये है बहुत वाला। अच्छा अच्छा, तो देख लो 1905 के भाई यहाँ पे घर बने हुए हैं, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, कोई तब सीमेंट का यूज़ नहीं होता था, और अभी तक पूरे सही टिके हुए। और इन्होंने भी ऐसा ही पूरा आलिशान नया घर बनाया, क्या बात है यार। और वो सामने घर ऊपर आपको दिख रहा है, वो भी सारा लकड़ी का ही बना है, क्या सही चीज़ है ना यहाँ पे। मतलब हम वहाँ पे इतना कंक्रीट यूज़ करते हैं वहाँ बनाने के लिए, और इन्होंने पत्थर और सिर्फ लकड़ियों से ही खड़ा कर दिया, किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया बीच में, सही है। बस थोड़ा सा गोप्रो चार्ज हो जाए, अभी चेक किया मैंने 35% है, थोड़ा सा और चार्ज हो जाएगा फिर इसको लेके क्या बोलते हैं यहाँ से गोली हो जाएंगे फिर यहाँ से गोली हो जाएंगे। लुधियाना ही जाना है, कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से जाएंगे हम लोग इंजॉय करते करते। और आप भी हमारे साथ रास्ते इंजॉय करना, कल मैं रास्ता दिखा नहीं पाया आपको, आज देखना कितना एडवेंचर है रास्ते का, मज़ा आएगा पूरा। हाँ, और ये कल थोड़ी एक्टिवा की भी प्रॉब्लम आ रही थी, पिछले टायर से आवाज़ आ रही थी जब खींच रहे थे इसको, वो भी नीचे जाके दिखाएंगे कि क्या दिक्कत है। भाई ये चढ़ के आई ना जहाँ जहाँ से, इसकी हालत देख लो, पूरा मिट्टी से भरी हुई है। और दुख सबसे बड़ा पता क्या, इसने होली खेली हमारे बिना, हमने होली नहीं खेली। ये अपनी आँखें देख रहा है, देखो नाक भी लाल है, आँखें भी पूरी लाल पड़ी ना। हाँ जी। क्या कोल्ड के कारण? हाँ जी, हो सकता है कोल्ड के कारण ही लग रहा है।